और तो दोस्तों कैसे आप लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि अब सब ठीक हो गए। तो आज के वीडियो में आपको कुछ इस टाइप का गेमिंग लोगो बनाना सिखाऊंगा, वो भी दोस्तों इजी स्टेप में। तो आप भी कुछ इस टाइप का गेमिंग लोगो बनाना चाहते हो तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आप इस टाइप का गेमिंग लोगो बना सकते हो। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिए। तो दोस्तों आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा और उस पर एक लिंक को ओपन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहीं जाके उसको ओपन कर सकते हो। तो ये लिंक ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस आएगा। तो इनमें से आपको थोड़े बहुत मैं लोगो दिखा देता हूँ, और आपको कोई सा भी सही लगे उस लोगो को आप ऐड कर सकते हो और उसको रीएडिट भी कर सकते हो। तो इनमें से मैं ये लोगो को टच किया, इसको मेरे को एडिट करना है। इसके लिए जाना है आपको दिस लोगो इस परफेक्ट पे, इसको टच करते ही आप दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे। आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। तो आप देख सकते हो हमारे सामने लोगो ओपन हो चुका है। तो अभी इसका नेम चेंज करना है। तो नेम चेंज करने के लिए आपको जाना है ये नीचे वाले में, या रोअरिंग वाला नेम है तो वो चेंज हो जाएगा। तो इसको पहले मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को लिखना है प्रिंस। तो ये मैंने लिख दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंस लिख के आ गया है, और आपको इसका फॉन्ट सही नहीं लग रहा है तो नीचे की ओर देख सकते हो इसको टच करना है। तो फिर आप यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। इनमें से मैं इस फॉन्ट को टच करता रहा हूँ, तब देख सकते हो ये भी हो गया। इसके बाद मेरे को ये सही नहीं लग रहा है तो मैं दूसरा भी यूज़ कर सकता हूँ। इनमें से आपको जो भी सही लगे उस फॉन्ट को यूज़ कर लेना। तो मैंने ये रख दिया। इसके बाद ये इस फॉन्ट का नेम चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी लिख देना है, टीम गेमिंग जो भी सही लगे वो। तो मैं टीम लिख दे रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने। इसका भी आप चाहो तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से आके यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट टच कर लो तो उसके हिसाब से नीचे भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो चुका है। तो अभी इसका ये प्रिंस का नेम चेंज करना है, नेम चेंज ना नेम का कलर चेंज करना है। तो आपको इस कलर वाले पे टच करना है, और आपको नीचे की ओर देख सकते हो कितने सारे कलर्स हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी कलर को यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ग्रीन टच कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा कलर चेंज हो चुका है। तभी आप कोई सा भी कस्टम भी कलर यहाँ से यूज़ बना सकते हो, जो आपको लोगों के हिसाब से जो भी सही लगे। तो मैंने रखा, तो अभी मेरे को ये नहीं रखना है, तो मैं फिर से एक ग्रीन वाले को ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया। इसके बाद आपको जाना है कलर वाले पे। ये कलर पिछले का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करने के लिए इसका कलर यूज़ होगा। तो आपको इसमें थोड़े बहुत इसके इस वेबसाइट के वाटरमार्क दिख रहे हैं, तो उस वाटरमार्क के हिसाब से यहाँ पे कलर बैकग्राउंड का रखना है, जैसे कि आपका बैकग्राउंड एकदम से रिमूव हो जाए। तो आप देख सकते हो वाटरमार्क हमारे में से थोड़े बहुत मतलब कि गायब हो चुके हैं। तो ये हो जाने के बाद आपको जाना है कस्टम पे। कस्टम पे आने के बाद आप यहाँ से कोई सा भी इसके ये जो वाटरमार्क है उसको गायब करने के लिए यहाँ से कोई कस्टम कलर भी आप बना सकते हो, जो आपके अंदाज से जो भी सही लगे। तो मैं यहाँ से कलर से इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गया। इसके बाद इसको बैक वाला ऑप्शन, फिर आपको जाना है ग्राफिक पे, और आपको जो यहाँ पे शेर का मुखौटा दिख रहा है उसको चेंज करना है तो भी आपको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एडिट पे टच करो, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे आपके सामने लोगोस दिख रहे हैं। इनमें से आप कोई सा भी लोगों को यूज़ कर सकते हो, और आपको इनमें से कोई सा भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप सर्च करके भी दूसरा भी ला सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे निंजा लिख दे रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे न्यू लोगोस आ चुके हैं, तो आप इनमें से भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हो।
तो मैं इसको यहाँ ए यूज कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों वेट करना, हो जाएगा। तब देख सकते हो हमारा लोगो एकदम से बढ़िया दिख रहा है। तो इसके बाद आपको इसका कलर चेंज करना है, तो रेड वाले पे जाना है और यहाँ से आपको कोई सा भी कस्टम कलर यूज कर सकते हो इनमें से। तब देख सकते हो ये भी ये रख सकते हो, आप कोई सा भी कलर आपको जो भी ठीक लगे वो कलर यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। और आपको इनमें से कोई सा भी कलर ना पसंद आए तो आप एक कस्टम से भी कलर कोई सा भी बना सकते हो। इसके बाद आपको जाना है, मैं पहले हमारा वाला कलर ले लूँ, तो ये मेरा हो चुका है। अब आपको इसको कट करना है और इसके ये बाल और ये जो भी थोड़े बहुत इस पर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है उसका कलर चेंज करने के लिए दूसरे वाले को टच कर रहे हैं। और आप यहाँ से कोई सा भी दूसरा कलर को सिलेक्ट कर लो। तो ये हो चुका है, तो आप चाहो तो इसका भी कस्टम कलर बना सकते हो। तो इसके लिए तो हमने दो तीन बार बता दिया है, तो अब ये नहीं बताऊँ। इसके बाद इसको कट कर दो। ये हो जाने के बाद आपको अब इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए ऊपर केवल एक सेव करने का ऑप्शन दिखेगा, बट यहाँ पे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा तभी आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। इसको फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको इसको थोड़ा बहुत जूम करना है, फिर आपको यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेना है और इसको क्रॉप करके, दोस्तों वेट करो मैं आपको क्रॉप करके भी बताई देता हूँ। तो आपको गैलरी ओपन करना है और आपने यहाँ पर जो भी स्क्रीनशॉट लिया है उस स्क्रीनशॉट को ऐड करना है और आपको एडिट पे जाके एक क्रॉप पे आने के बाद इसको क्रॉप कर दो और ऊपर से भी क्रॉप कर दो। तब देख सकते हो हमारा फोटो एकदम से परफेक्टली हमारा लोगो बन चुका है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड में वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।